कांग्रेस सरकार का रवैया अब किसी भी तरह से बर्दाश्त करने लायक नहीं है। मामला चाहे जहां का भी हो, पर सही वक्त पर कोई फैसला ना करना कांग्रेस की राजनीति की चरम सीमा को पार कर रहा है। राजस्थान में हुई वारदात इस बात का सबूत है। मामला क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में। राजस्थान में हुई हत्या विपक्षी दल के लिए एक शर्मसार घटना है। इस घटना के बाद कांग्रेस को राजस्थान से अपना बोरिया बिस्तर समेटने की तैयारी कर लेनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से मंदिर की जमीन को लेकर दो पक्षों में हुए विवाद में पुजारी को पेट्रोल छिड़क कर जिंदा जला दिया गया, अब ये मामला तूल पकड़ता नजर आ रहा है। राजस्थान के करौली जिले में राधा गोविंद मंदिर के 50 वर्षीय पुजारी बाबूलाल वैष्णव को एक भू माफिया और उसके साथियों ने जिंदा जला दिया। पुजारी को इस घटना के बाद जयपुर के SMS अस्पताल में भर्ती कराया गया था, पर हालत गंभीर होने की वजह से जहां उनकी मौत हो गई। घटना के बाद पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और इस मामले की पूर्व CM वसुंधरा राजे ने घटना की कड़ी निंदा की है। अन्य आरोपियों की धड़ पकड़ के लिए पुलिस की आधा दर्जन टीमें सर्च अभियान में जुटी हुई है। हत्या की वजह पुजारी का विरोध करना था। दरअसल पुजारी ने भू माफियाओं को मंदिर की इस जमीन पर अतिक्रमण करने से रोकने का प्रयास किया था, जिसके बदले में पुजारी को अपनी जान गंवानी पड़ी। जिस इलाके में ये घटना हुई वो मूल निवासी और दलित राजनीति के दबाव वाला इलाका है, जहां हिंदू धर्म से नफरत और अपमान करने के लिए नई पीढ़ी को उकसाया जाता है और कांग्रेस की सरकार बस हाथ पर हाथ धरे बैठी रहती है। कांग्रेस की गहलोत सरकार का रवैया इस मामले में बहुत ढीला दिखाई दिया और जिसकी कड़ी निंदा की जा रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस इलाके में भीम आर्मी की हिंदू घृणा की मानसिकता को खूब फैलाया जा रहा है, जिसकी वजह से ये घटना हुई है। स्थानीय हिंदू संगठन के लोगों ने कहा कि पंडित जी राधा गोविंद मंदिर की सेवा करते थे। पुजारी को मंदिर के नाम पर जमीन दान की गई थी और इसी जमीन पर 50 साल के पुजारी अपना घर बना रहे थे, पर भू माफिया यानी कि कांग्रेस के गुंडे इस जमीन का अतिक्रमण करना चाहते थे। स्थानीय मीणा समुदाय के लोग इस मंदिर पर कब्जा करना चाहते थे, जिसका पंडित जी ने विरोध किया और उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी। घटना को लेकर सपोटरा क्षेत्रवासियों में सपोटरा थाना पुलिस के प्रति आक्रोश है। उन्होंने पुलिस पर ऐसे मामलों में हमेशा निष्क्रियता बरतने का भी आरोप लगाया है। चाहे प्रशासन हो या सरकार, अगर राजनीति को मुद्दा बनाया जाएगा तो एक पुजारी नहीं कई ऐसी जाने जाएंगी जिन्हें कांग्रेस की सरकार की बलि चढ़ना पड़ेगा। आगे लोगों का कहना है कि राजस्थान सरकार अभी तक इस हिंसा को लेकर उदासीन बनी हुई है। पंडित जी ने मृत्यु से पहले 6 लोगों का नाम लिया है जिन्होंने उन पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगाई थी। इन लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज की गई है। इस तरह का मामला महाराष्ट्र के पालघर में भी सामने आ चुका है और ये बहुत इत्तफाक की बात है कि दोनों राज्यों में सरकार कांग्रेस की ही है। 16 अप्रैल को महाराष्ट्र के पालघर में जूना अखाड़े के महाराज कल्प वृक्ष गिरी, जो कि 70 साल के थे, उनके सहायक सुशील गिरी महाराज और उनके ड्राइवर नीलेश तेलगड़े की भीड़ ने पीट पीट कर हत्या कर दी थी। गढ़चिंचाले गांव से निकलते वक्त करीब 500 लोगों ने उन पर हमला किया था और वहां का प्रशासन भी मूक दर्शक बनकर बैठा रहा, क्योंकि ये सब राजनीति के पैंतरे हैं, पर जनता बेवकूफ नहीं है कि गहलोत सरकार या कांग्रेस कुछ भी करेंगे और लोग देखते रहेंगे। कांग्रेस का विपक्ष में बैठना भी अब जनता को रास नहीं आ रहा है। राजनीति की भसड़ में कांग्रेस अपने अस्तित्व को पूरी तरह से खत्म कर रही है, जिसमें एक बार गिरे तो वापस आने का कोई रास्ता नहीं है। राहुल गांधी का मोदी सरकार को चित्त करने का मलाल दिल में दबता नजर आ रहा है, क्योंकि एक के बाद एक सारी चालें बेनकाब होती जा रही हैं और कांग्रेस हर जगह मुंह की खा रही है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे।